हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी लेक्चर 41 जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ ताकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। और ये UGC नेट कॉमर्स एज वेल एज PGT कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। और डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने का मोटिव यही है कि आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू जो है आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में, आप उसको इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और हम लोग हर एक ऑप्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि उनसे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। और लेक्चर 1 to लेक्चर 40 की जो वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 41 को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बताना है इन चारों में से जो है कौन सा फंक्शन है RBI का, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले तो RBI के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। RBI जो है हमारे इंडिया का क्या है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। एपेक्स बॉडी है बैंकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ इंडिया में, ठीक है। तो इसके जो फंक्शंस है आपको पता होने चाहिए ज़रूर, बिकॉज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि RBI का इसमें से कौन सा फंक्शन है। देखो, फर्स्ट है बैंक इशूज़ द लेटर्स ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर सर्टिफाइंग देयर क्रेडिबिलिटी। लेटर्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जैसे अब बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं वो अच्छे जो कस्टमर्स होते हैं उनको क्या देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं ताकि वो आगे अपना जो इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड करना चाहें तो लोग उन पे विश्वास कर सके, ठीक है। तो ये जो बैंक देते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स को, ये RBI का काम नहीं है, ठीक है। ये जनरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स वगैरह, ये इनका काम है, ये RBI का काम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है कलेक्टिंग एंड कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स। यानी कि क्या करता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बैंकिंग से रिलेटेड कैसे कैसे डाटा रहा हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स का, बैंकिंग का, उसको कलेक्ट करना, कंपाइल करना, ये सब काम कौन करता है, जो मेन होता है बैंकिंग सिस्टम में, और मेन कौन है, RBI। तो याद रखना ये फंक्शन है RBI का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये सेकेंड वाला ऑप्शन। फिर भी बाकी आपको दोनों ऑप्शन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बैंक्स अंडरराइट द सिक्योरिटीज़ इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बैंक क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ को अंडरराइट कर रहे हैं जो भी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती है। ये अंडरराइटिंग का फंक्शंस जो होता है कंपनीज़ के बिहाफ पे, ये भी RBI परफॉर्म नहीं करता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, जनरल पब्लिक से कभी भी RBI डिपॉजिट्स नहीं लेता है, वो तो बैंकर ऑफ द बैंक्स है या बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट है। ये जो डिपॉजिट्स पब्लिक से एक्सेप्ट करते हैं ये तो हमारे जनरल बैंक्स होते हैं, नॉट RBI। तो हमसे पूछा था कौन सा फंक्शन है RBI का, तो RBI का कौन सा फंक्शन है इसमें से चारों में से, अगर हम बात करें, कलेक्टिंग एंड कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो आपने ये चीज़ जो है अच्छे से ध्यान रखनी है, ओके। अब एक बात सुनो, RBI के जो और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए। लाइक इशू ऑफ करेंसी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इशू ऑफ करेंसी का काम किसके पास है, RBI का। और ये गवर्नमेंट का बैंकर भी कहलाता है, बैंक्स का भी बैंकर कहलाता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट है, और क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो ये सारे जो हैं आपको बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। और RBI का एक्ट कौन सा है, 1934, और RBI कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेथड्स टू फाइंड आउट मोड। आपको बताना है इन चारों में से एक मेथड है मोड को कैलकुलेट करने का। देखो, मोड को कैलकुलेट करने के वैसे तो आपने जनरल फॉर्मूला पढ़े होंगे, लेकिन अगर हम बात करें किसका यूज़ करके, मीडियन और मीन का यूज़ करके अगर आपको मोड निकालना हो, यानी कि जो तीनों में रिलेशनशिप दिखाता हो, तो वो कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। और फॉर्मूला जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो एक चीज़ सबसे पहले आपको एक क्लियर चीज़ होनी चाहिए कि जोन से डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हूँ वीडियो के टाइम, तो आपने उनको ज़रूर नोट करना है, ठीक है। जिस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं, वो हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो होता है हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फीचर्स पता होंगे कि तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे मीन, मीडियन और मोड इक्वल ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपकी ये जनरल नॉलेज के लिए है, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें मॉडरेटली स्क्यूड और असिमेट्रिकल, यानी कि दोनों का क्या हो, मीडियम, तो उसमें अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो जो कार्ल पियर्सन है उन्होंने एम्पिरिकल रिलेशनशिप बताया है किसके बीच में, मीडियन, मोड और मीन के बीच में। और वो हमारा फॉर्मूला क्या है, आपने याद रखना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या फॉर्मूला है हमारा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और वो किसके दिया हुआ, कौन से ऑप्शन में, हमारे फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की या मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, यानी कि ना तो वो पूरा स्क्यूनेस में है, ठीक है, और ना ही वो क्या है उस चीज़ का, यानी कि अगर आपको मॉडरेटली स्क्यूड और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों में रिलेशन बताना हो, तो जो कार्ल पियर्सन है उन्होंने इस रिलेशनशिप को कैसे शो किया है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ जाता है, कई बार आपको ना मीडियन और मीन की वैल्यू दे देते हैं क्वेश्चन में, आपको मोड की वैल्यू निकालनी होती है, तो आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, और आपका आंसर इस चीज़ का निकल आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आपको बताना है किसने दी है, कौन सी थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैंने ये हर वीडियो में अपनी बताया है, अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन आया है, कि जो थ्योरीज हैं डिफरेंट टाइप की कॉमर्स में, उनके प्रपाउंडर कौन है, किसने प्रपाउंड की है उस थ्योरी को, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज़ ये डायरेक्ट फॉर्म में या मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब आपको बताना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है जो इंटरनेशनल ट्रेड की, वो किसने दी थी। फर्स्ट दिया हुआ है रिकार्डो, फिर है मार्शल, फिर है हेक्शर एंड ओहलिन, फिर लास्ट है हबर्लर। तो आपने ध्यान रखना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की किसने दी है, हबर्लर ने, किसने दिया है, हबर्लर। तो इस टाइप से आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट नहीं है, और स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। एक देखो, ये रिलेटेड है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम से, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है वर्क्स ऑन दी मार्केट मैकेनिज्म। फ्लोटिंग मतलब फ्लेक्सिबल। अब जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेज हैं हमारी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, तो ये यस मार्केट मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ब्रीड्स अनसर्टेनिटीज एंड स्पेकुलेशन। यस, अब देखो स्पेकुलेशन और अनसर्टेनिटीज तो होंगी, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं, डिपेंड करता है कंडीशंस मार्केट में कैसी चल रही हैं, इसी वजह से स्पेकुलेशन भी होता है, अनसर्टेनिटी भी होती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड वैल्यू जजमेंट इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये देखो, यस, ऐसा होता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स किसी भी कंट्री के, पॉलिटिकल फैक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ के क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक्सचेंज रेट सिस्टम की चॉइस को, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपको दिया हुआ है कि द सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है, बिल्कुल गलत है।
जबकि जो फिक्स्ड होता है ना एक्सचेंज रेट, वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, उसमें गवर्नमेंट की क्या होती है, इंटरफेरेंस होती है। यहाँ जबकि लिखा हुआ है कि फ्लेक्सिबल यानी कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में जो कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, ये बिल्कुल क्या है, रोंग है। तो हमसे यही पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका अदर नेम क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में IBRD भी बोलते हैं। आपके ऑप्शन दिया हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सेकंड है वर्ल्ड बैंक, फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑटार्की इन इंटरनेशनल ट्रेड। एक टर्म है ऑटार्की इंटरनेशनल ट्रेड में, इसका क्या मीनिंग है। देखो आपको टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस के थ्रू जो नई नई करवाती हूँ, आपको उसके नोट्स बनाने हैं साथ के साथ, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में एक टर्म है ऑटार्की, इसका क्या मीनिंग है। फर्स्ट है कि मोनोपली होना इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी, यानी कि आपका एकाधिकार होना इंटरनेशनल ट्रेड में। सेकंड है इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाना, इम्पोज करना इंटरनेशनल ट्रेड पे। थर्ड है रिमूवल ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड से हर टाइप के रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देना। और फोर्थ है द आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड नो इंटरनेशनल ट्रेड बाय अ कंट्री। यस, और टर्की का क्या मीनिंग होता है, और टर्की में ये होता है कि एक कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, उसको डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड पे। तो आपने ये टर्म अच्छे से ध्यान रखनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इम्प्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अब आपसे पूछा हुआ है, ये रिलेटेड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। हम यहाँ पे क्या शो करते हैं, जनरली प्राइस, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड शो होती है, ठीक है। अगर हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है ऐसे होता है और पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के, तो इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होती है, वो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है यहाँ पे इन्फिनिटी होती है। याद रखना, आप लोगों को पता भी होगा इस टाइप का कर्व हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बनता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इनफाइनाइट। तो आपने ध्यान रखना है, जब हमारा डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है, एक सेम प्राइस पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेथड हैज़ बीन इवॉल्व्ड बाय पीटर ड्रूकर। पीटर ड्रूकर ने इनमें से कौन सा मेथड दिया है, तो आपने याद रखना है कौन सा दिया है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। MBO को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ओके। अब होता क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं गोल सेटिंग प्रोसेस में, एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। इससे क्या होता है, उन लोगों का कमिटमेंट बढ़ता है, उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी ज़रूर पता होनी चाहिए, तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा, ए वाला, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।